नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। मध्य प्रदेश सागर अंतर्गत गोपालगंज थाना के शनिचर्य में आंगनवाड़ी केंद्र में टीकाकरण लगवाने के बाद एक बच्चे की देर रात अचानक तबीयत बिगड़ जाने से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में मृतक बच्चे के परिजनों ने आंगनवाड़ी में तैनात अमले पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत होने का आरोप लगाकर मामले में आंगनवाड़ी केंद्र में तैनात अमले के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मृतक बच्चे का पीएम करा मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना गोपालगंज में मृत बच्चे और परिवार के साथ इंसाफ की गुहार लगा रहा यह शख्स थाना क्षेत्र के शनिचरी निवासी श्रीकांत रायकवार है। इनका आरोप है कि उसके 2 माह के मासूम बच्चे को चौगना स्थित 33 नंबर आंगनवाड़ी केंद्र में टीकाकरण के लिए बुलाया गया था। वहां तैनात अमले ने उसे इंजेक्शन लगाया और दवा पिलाई थी। दवा और टीकाकरण के बाद से ही बच्चे की सेहत में गिरावट होने लगी और उसने ना तो दूध पिया ना ही कोई विशेष हलचल की। इसके बाद देर रात उसकी अचानक मौत हो गई। इस मामले में परिजन का आरोप है कि आंगनवाड़ी केंद्र में टीकाकरण के नाम पर बुला वहां तैनात अमले ने बिना परिजनों को जानकारी दिए मासूम बच्चे को कई टीके लगा डाले और दवा पिला दी, जो नन्हे मासूम की उम्र के लिहाज से भारी पड़ गई और उसके कारण उसकी मौत हो गई। इस मामले में परिजन आंगनवाड़ी अमले की लापरवाही को ही उसकी मौत का कारण मान उनके खिलाफ कार्यवाही हो सके इसकी मांग कर रहे हैं। उन्होंने इसकी थाने में लिखित शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने मृत बच्चे की मौत के कारण का पता लगाने के लिए उसका पीएम कराया है। वहीं आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका ने इस मामले में उनके द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही से साफ इनकार कर स्वास्थ्य विभाग से आई स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा टीकाकरण करने की बात कही है। बहरहाल इस मामले में पुलिस को अब पीएम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही मामले में मौत का सही कारण उजागर होगा। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। नमस्कार। उनको टीका लगे थे, उसके बाद ना उसने दूध पिया ना कुछ भी, और रात में 8:30 के लगभग खत्म हो गया। तो काय का टीका लगा था? अब ये नहीं मालूम, आंगनबाड़ी वालों ने बुलाया था कि टीका लगना है, तो बहू हमारी ले गई थी टीका लगवाने, तो उन्होंने पता नहीं 3-4 इंजेक्शन लगा दिए, पोलियो की दवाई पिला दी, क्या क्या अपन को तो नहीं मालूम 3-4 प्रकार की। और उसके बाद फिर वो जैसी घर पे लेके आई तो ना उसने दूध पिया, मतलब कोई हलचल भी नहीं की ना दूध पिया है, बस आंख भर ऐसे हेर रहा था वो। कौन सी आंगनवाड़ी में आपने टीके लगवाए? शनिचरी पे चौकना में है कि आंगनबाड़ी किन्नी के पास में रवि सैनिक। तो अभी आपके बच्चे के साथ क्या हुआ? बच्चा खत्म हो गया और टीका लगवाने गई थी। उनकी मन से हुई है, यदि यदि निकल है बच्चा हो कोई गलती तो उनकी लापरवाही का ही, हमें तो कहा ही नहीं। अच्छा बताओ हमें कहा ही का, हमें तो कोई लापरवाही है नहीं है। हर महीने लगा हर बच्चा को लगा, कम से कम 22-23 बच्चों को लगे हैं कल। तो हमारी कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जो इंजेक्शन लगाया गया था तो कोई हो सकता है इन्फेक्शन हो गया हो, उस कारण उसकी डेथ हो गई। हम जाने कैसे, बे सिस्टर बता सकती है कहा तो सिस्टर, बता सकती सिस्टर का क्या नाम था जो डॉक्टर आए थे उनसे बताओ। तो उन्हें तो बताने के लिए मना कर दिया। क्यों, उन्हें को बताना चाहिए, बे पहुंचाते हैं, बे लिस्ट भेजते हैं कि वार्ड में इनको लगा दो। नहीं उन्हें को बताओ हमारे का खर्चा का, हम तो बुलावे तक नहीं आए। महिलाएं खुद ही पहुंचती कि हाँ बच्चा को लगा दो, हाँ बच्चा को लगवाने हैं। नहीं अच्छा अब लगवा लो, हमने तो कछु पता नहीं है भैया।